तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, ब्लैंक से है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कंप्लीट द नेम्स ऑफ द फाइव ऑर्गन्स ऑफ द यूएन। तो यूएन के फाइव ऑर्गन्स के नाम दे रखे हैं, वो क्या है, इनकम्प्लीट है, तो उनको आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट में आ रखा है ब्लैंक्स के, ब्लैंक्स असेंबली, तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, जनरल असेंबली। फिर है सेकंड में सिक्योरिटी काउंसिल। थर्ड में आएगा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। फोर्थ में द सेक्रेटरीट। फिफ्थ में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये पांच क्या है, यूएन के ऑर्गन है। उसके बाद है सेकंड है टिक ऑन द सिक्स ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूएन। तो यूएन की जो सिक्स ऑफिशियल लैंग्वेजेस है वो कौन कौन सी है, उन पे आपको टिक करना है। तो यहाँ पर आपको 10 लैंग्वेज दे रखी है, तो उसमें से 6 पे टिक करना है। तो इंग्लिश, फ्रेंच, अरेबिक, स्पेनिश, रशियन एंड लास्ट इज चाइनीज। तो ये 6 लैंग्वेजेज है जो यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेजेज है। उसके बाद है थर्ड। थर्ड में आपको नाम बताने हैं। फर्स्ट है फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन। तो यूएन का पहला जनरल सेक्रेटरी, उनका नाम क्या है, ट्राइग्वे लाई। क्या है, ट्राइग्वे, फर्स्ट में आप फिल करोगे ट्राइग्वे लाई। फिर सेकंड है प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन। तो यूएन के जो प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी है, मतलब हाल ही में प्रेजेंट टाइम में यूएन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनका नाम बताना है। तो उसका आंसर क्या है, बैन की मून। फिर है थर्ड, फाइव परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएन। तो यूएन के फाइव परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं, उनका नाम बताना है। तो थर्ड में आप लिखोगे चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ओके, उसके बाद है फोर्थ, स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूएन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ। तो हेल्थ के इम्प्रूवमेंट के लिए कौन सी एजेंसी वर्क करती है, WHO। WHO की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो फोर्थ में आ जाएगा WHO। फिर है फिफ्थ, कोएलिशन ऑफ डेवलपिंग नेशंस फाउंडेड इन 1964। तो इसके अंदर कौन क्या आंसर आएगा, ग्रुप ऑफ 77। ओके, उसके बाद है लास्ट एंड फोर्थ, इसमें क्या है, नेम द यूएस एजेंसीज टू विच दीज एम्ब्लम्स बिलोंग। तो मतलब आपको ये जो सिंबल्स दे रखे हैं उसकी पिक्स दे रखी है, और ये यूएन के कौन से एजेंसी के सिंबल हैं वो आपको यहाँ पिक्स दे के बताना है। तो फर्स्ट किसका है, FAO का। FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट में आप क्या लिखोगे, FAO, जिसकी फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड जो सिंबल है वो यूनिसेफ का है, UNICEF, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ओके,
उसके बाद थर्ड सिंबल है आई ए ई ए, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। फिर है लास्ट, लास्ट सिंबल तो सबको पता होगा, किसका सिंबल है ये? डब्ल्यू एच ओ का। तो डब्ल्यू एच ओ का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपका सेकेंड चैप्टर था जीके का, जिसका नाम है द यूनाइटेड नेशंस। तो ये आपको अपनी बुक में अच्छे से फिल करना है और लर्न भी करना है।